Hey everyone, this is Khuram Khan and welcome back to my YouTube channel. So guys, आज है आपको सबको पता है कि आज है ज़ारेब की मेहंदी और सारी तैयारियाँ फुल ज़ोरों शोरों से चल रही हैं. और आपको पता है जब शादी हो और एंड मोमेंट पे जो काम निकल निकल के आते हैं ना, लाइक अभी जो है मेरे पास 6:30 हो रहे हैं और मैं अभी तक बाहर निकला हूँ. कपड़े उठाने हैं, शूज़ लेने हैं, रबीका की ज्वेलरी उठानी है, मतलब सारी चीज़ें आज के दिन करनी पड़ रही हैं जल्दी जल्दी जल्दी. इस चक्कर में हम लेट ना हो जाए मेहंदी के लिए. तो भाई अभी मैं हूँ तारिक रोड, यहाँ से मुझे घर जाना है. घर जाके फिर तैयार व्यार होना है. कपड़े जो हैं मेरे बने हैं वो अभी मैं पिक करने ही जा रहा हूँ. और वो साइज़ के मुताबिक बने हैं कि नहीं बने हैं, कैसा है, क्या सीन होगा, वो सब पता लगेगा आपको इसी व्लॉग में. तो भाई ये फुल व्लॉग देखिएगा. मुश्किल काम है, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं हुसैन के घर आया था. मैं यहाँ पे एक जगह आया था कपड़े उठाने, वहाँ से मैं एक चीज़ भूल गया लेके जाना, तो रबीका की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी. अब मैं वापस जब घूम के आया हूँ उधर, तो मुझे आते आते 15 से 20 मिनट लग गए. और मैं ये कह रहा था कि तारिक रोड पर आप रहते हो ना, तो भाई मुझे पता है, मैं आप लोगों का तो समझ सकता हूँ, बहुत मुश्किल होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो भाई आज यही हो रहा है, आज जितना टाइम कम है ना उतना ही लेट हुआ जा रहा है. मैं सबको कह रहा हूँ 8 बजे निकलेंगे, यहाँ मुझे लगता है घर पहुँचते मुझे 8 बज जाएंगे. तो बस देखते हैं क्या सीन होता है इस व्लॉग में, आपको पता लगता रहेगा. तो भाई आपको जैसा मैंने कहा है, अभी हो रहे हैं 7:37 और अभी तक मैं रश पर फंसा हुआ, ट्रैफिक जाम फुल पैक, और हमें वेन्यू पर पहुँचना था 8 बजे. लाइक क्या होगा, आप जो भी होगा इस व्लॉग में बता दें. हम लोग रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरा ये आउटफिट है. वहाँ जाके आपको मैं फुल आउटफिट दिखाऊंगा अपना. तो और मेरा आउटफिट जो है एसटी क्लोथिंग से, जो हुसैन का इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च होगा, तो वहाँ से मेरा आउटफिट है. और ये शॉल जो है ये नजीब माया की तरफ से है. मैं जो होगा इंस्टा में एक्शन वगैरह कर दूँगा सारे डिज़ाइनर्स. बाकी हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस निकलना है. रबीका सलोन में बिल्कुल रेडी है. बस यहाँ पे आपको जैसा आप लोगों ने पूरे ब्लॉग में देखा ही, इतना टाइम लग गया आने जाने में इधर उधर, तो भाई इस वजह से थोड़ा लेट हो गए. बस हम चलते हैं, बस निकल रहे हैं. अभी टाइम हो रहा है 9:45. अब देखते हैं वहाँ जब हम पहुँचेंगे कुछ रहेगा भी या सब खत्म हो जाएगा. वैसे मेहंदी है, सब लेटीज होगा, लेकिन फिर भी गाइस हम लोग रेडी हैं. हम लोग पहुँच चुके हैं मेहंदी में. लेट्स गो इनसाइड. ये एंट्री है हमारी ज़ारेब की मेहंदी. तो गाइस सब पहुंच गए थे, अब डांस की तैयारियां हो रही हैं, फिर सबकी प्रैक्टिस है. सब यहां डिसाइड कर रहे हैं क्या होगा, पहले किसका आएगा. मेरा दूसरे नंबर पे तो सोलो डांस है, तो उससे सारे लोग हैं इधर. मुझे डर लग रहा है कि क्या होगा, कैसे डांस होगा, देखते हैं. तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग एक परफॉर्मेंस कर लेते हैं, उसके साथ साथ फिर हम रोटी खोल देंगे, क्योंकि शफीक अभी तक आया नहीं है. तो गाइस आप लोग सारे गैदर हो जाओ, और हमारी परफॉर्मेंस है. सारे दोस्तों से दरखास्त है कि वो पहला डांस के लिए है अब्दुल्ला का, ताज का ना डांस भूल गए. सो गाइस इधर मेरा सोलो डांस परफॉर्मेंस है. आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, जिसको फुल डांस देखना है वो मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकता है. यहाँ पे मैं इसलिए प्रॉपर नहीं डाला, यू नो के कॉपीराइट इशू होता है, तो आप लोग वहाँ प्रॉपर डांस देख सकते हैं. तो मेरा इंस्टाग्राम को जिसने फॉलो नहीं किया वो जाके जल्दी से फॉलो कर ले और जाके मेरा डांस भी देख ले. सो गाइस ये है शहताज और अब्दुल्ला का डांस कलाबाज दिल पर. बहुत ही अच्छा डांस किया उन्होंने. और भाई इधर डांस हो रहा है फजीला और जरनाब का, उन्होंने भी बहुत अच्छा डांस किया. तो भाई यहाँ पे ग्रूम और बॉयज का डांस है, बहुत ही अच्छा उन्होंने डांस किया. भाई डांस वांस हो गए सबके. देखो रबीका मेरे ब्लॉग में अभी तक नहीं आई. हाँ, रबीका अपनी पिक्चर वीडियोस में लगी है बस. ये तुम्हारा क्या क्वालिटी आई, डांस किया है यार. मैंने कहा था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत अच्छा था. हम कह रहे थे इसका सिंगल बहुत अच्छा है, बहुत मजा आया. जब ये वहां भी कर रहा था बहुत और सबसे ज्यादा पता है कि रुका नहीं इसने, किसी को वो ही नहीं किया, बिल्कुल अपने में पूरा पॉइंट. क्योंकि मेरा डांस सीखा था, मुझे वो बॉटल देख के करना था, इसलिए मैं किसी को ध्यान नहीं देता, बॉटल देखता था. दो पॉइंट मुझे भी सिखा देते ना ऐसे ही. मैं मुझे तो बस ब्यूटीफुल बहन की शादी और भाई डांस में करे ऐसा कैसे. बहुत अच्छा किया, शुक्र है भूले नहीं. मुझे बहुत अच्छा याद था, मैंने इस डांस पर इतना फोकस करके याद किया था कि मैं ये अच्छा होना चाहिए. बाकी बात शहजादे भाई ना, चलो आओ खाना खाओ पहले. हाँ आ जाओ. तो भाई खाना वाला खुल गया है, डांस भी हो गया है, इसके बाद देखते हैं क्या सीन होता है. तो आज खाना खाते हैं. एक लड़की पकड़ी गई अकेले अकेले खाना खाते हुए.
और भी लोग हैं दोस्त वगैरह, मैं पूछ लेता खाने का। तो गाइस खाना वाना खा लिया है और उसके बाद देखते हैं क्या सीन होता है। सुबह अभी भी डांस हैं, सोलो डांस हैं, सब कुछ है। जैसी ने भी बहुत अच्छा डांस किया, जैन ने तो बेस्ट डांस किया, जैन ने सबको सिखाया भी बहुत अच्छा। तो भाई यहाँ हम रैंडम डांस कर रहे थे और मैं भूल गया था डांस, मुझे याद नहीं आ रहा क्या स्टेप्स करूँ, इसलिए मैं वहाँ से हट के साइड पे आ गया। डांस हो गया है, अब पिक्चर्स की बारी है, पिक्चर्स ले रहे हैं। आप सोच रहे हैं पहले पिक्चर्स नहीं चाहिए फिर डांस करना चाहिए, लेकिन यहाँ हम उल्टा कर रहे हैं, पहले हमने डांस किया अब हम पिक्चर्स ले रहे हैं। जैजी नाइस सन फ्लावर्स पकड़ के पोज दे रहे हैं। इसकी बेस्ती बस सबको पिक्चर्स खिंचवानी है ना, लाइनें लगी हुई हैं एक एक करके। यार साइड पे ऑटो बिछाए थक गए, आप कोई पिक्चर वगैरह नहीं खींच रहा सिवाय मेरे। बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, पिक्चर्स ले रही हैं। मेरी अभी तक बारी नहीं आई है, सख्ती हो गई है। सुनैम भाई अपनी बारी का इंतजार करते हुए, सुनैम भाई कह रहे हैं मैं भी अपना सिग्नेचर पोज मार के जाऊंगा। तो यार मैं सोचता हूँ दूल्हा दुल्हन के लिए कितना मुश्किल होता होगा। सही बात है, सही बात है, बहुत मुश्किल। वो शाम से ऐसे भारी कपड़े पहन गया, अभी हम थक गए, थक गए आप लोग? नहीं थके होंगे ना, मैं सोच रहा हूँ कि क्या होता होगा। भूख लगी, हमने खाना नहीं खाया। तुम तो ये फील भी नहीं कर सकते हो। कुम जब मैं दूल्हा बनूंगा जब फील करूंगा। तुम कभी दुल्हन नहीं बन सकते यार। भाई हट जाओ यार, मेरी बारी आनी है, कब से खड़ा हुआ, जल्दी करो। जैसे जाना नहीं मेरी पिक्चर किसी बगैर, जैसे जाना नहीं भाई हट जाओ यार, अब हटो, मेरी बारी है यार। मैंने एक सोलो खिंचाऊंगा बस जिंदगी में, आधे घंटे से खड़ा हूँ। गुरैम आया तो गुरैम को भी कटा दिया। सो गाइस इवेंट से हम लोग फ्री हो गए, आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ था, यहाँ कुछ सब उधर उधर पड़ा हुआ है। बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया, डांस भी बहुत अच्छा हुआ, शहदाज ने बहुत अच्छा डांस किया। टूट गई मैं, टूट गई। ऐसा ही है, बहुत बुरी हालत हो रही है, बहुत बुरी हालत हो रही है गाइस, बहुत डांस किया है आज। और यहाँ सबकी अभी तक पिक्चर्स हो रही हैं, वहाँ सबकी चप्पियाँ चल रही हैं। कौन सा घाटा? इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ भी नहीं आता। इसमें तेरा घाटा, तुम तो मैं दोनों भाई का घाटा कराया है ना। मैं फंस गया। हाँ बाबा की कॉल आ रही है, हमें बोलोगे तो ऐसे ही होगा, हम तीनों एक यूनिट है। देने के टाइम, लेने के टाइम दो यूनिट है, चार यूनिट अपने अपने भाई। तो गाइस जब लड़कियां जो हैं कुर्सियों की प्रमोशन करती है ना, तो ऐसे कुर्से पकड़ के पिक्चर खिंचाती हैं, भले पाँव में कुछ हो ना हो लेकिन कुर्से हाथ में होते हैं, आप देख सकते हैं। ऐसा ही है ना अभी का, जब कुर्सों की प्रमोशन करते तो कुर्से ऐसे पकड़ के, पाँव जो है टूट चुके हैं, टूट के चूर हो गए। मैंने तो ब्लॉग खत्म कर दिया, मैंने भी बहुत बड़ा ब्लॉग बना दिया। सो गाइस आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि होगा बारात का ब्लॉग और खूब मजा आएगा। तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, सिर्फ 200 सब्सक्राइबर्स रहते हैं 100K में, तो जल्दी से 100K कर दें ताकि हम सेलिब्रेशन कर सकें बारात। प्यारे दारे भाई डन, बहुत ही प्यारे, आप बहुत प्यारे लग रहे थे आज, हमेशा खुश रहे हैं। पहली बार किसी भाई की शादी में ही डांस करता है। नोट लिखना है इधर अभी का, मेरी तरह से तुम नोट लिख दो, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो ये हो गया है मेरे तरफ से नोट अभी का। देखिए मैंने क्या लिखा है, महीर जारे मंदी खिलाऊंगा। हुसैन लिखा मंदी खिलाऊंगा, मैंने लिखा मंदी खिलाऊंगा। एसटी व्लॉग सबसे पहले अपलोड करना है, एसटी क्लोथिंग। LK, I love you, हमेशा खुश रहें, always there for you, love you, I 15 Pro Max मेरी तरफ से, मंदी खिलाऊंगा, और भी कुछ लिखा था, हाँ, दुबई से आ गए, we are here, महफिल की जान, HT, रवि सेन।